नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर की 16 और झारखंड की 17 सीटों के लिए तीसरे दौर का मतदान जारी। मतदाताओं में भारी उत्साह, उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। आईबी ने सभी राज्यों को किया हाई अलर्ट, सिमी के फरार आतंकवादी देश में कर सकते हैं बड़ा आतंकी हमला। टैक्सी दुष्कर्म मामले में उबर कैब सर्विस के खिलाफ मामला दर्ज, दिल्ली सरकार ने 6 कंपनियों को छोड़कर सभी रेडियो टैक्सियों पर लगाया प्रतिबंध। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा शुरू, आधे घंटे तक मुफ्त इंटरनेट इस्तेमाल, दूसरे बड़े स्टेशनों पर जल्द मिलेगी सुविधा। और एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू, पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर बनाए 150 रन। हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी में नीदरलैंड्स। सबसे पहले बाद विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर में 16 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। इन सीटों पर वोटिंग शाम 4 बजे तक होगी। इनमें उरी समेत बारामूला की 7 सीटें और 5 सीटें बड़गाम और 4 सीटें पुलवामा की शामिल हैं। तीसरे दौर में करीब 14 लाख मतदाता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत 138 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के बावजूद लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा समेत दूसरे राज्यों की सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए मतदान चल रहा है। आज 17 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कड़ाके की ठंड में भी मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं। नक्सल पीड़ित इलाकों और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इन केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। इस दौर में सबसे ज्यादा 17 में से 14 सीटें नक्सल पीड़ित इलाके में हैं। आज के चुनाव में 50 लाख से ज्यादा मतदाता 289 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में आप वाईफाई इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेलवे सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यह सुविधा मुहैया कराने पर विचार कर रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये परिसर अब वाईफाई इंटरनेट सेवा से लैस है। ये सेवा रेलवे के उपक्रम भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड मुहैया करा रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस सेवा की शुरुआत की। सुरेश प्रभु ने इस कदम को रेलवे में डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया पहला कदम करार दिया है। जो नई दिल्ली में सुविधा दी जा रही है, यही सुविधा देश के कम से कम बड़े जो स्टेशन है उसके ऊपर जल्द से जल्द दी जाए। साथ साथ में जो ट्रेन चलती है, चलने वाली ट्रेन में भी ये सुविधा देने की आवश्यकता है। उसका एक नया बिजनेस मॉडल रेलटेल को बनाने की जरूरत है। स्टेशन पर आने वाले लोग सभी 16 प्लेटफॉर्मों पर वाईफाई सेवा का उपयोग कर सकेंगे। शुरुआती 30 मिनट के लिए सेवा मुफ्त होगी, लेकिन उसके बाद मोबाइल फोन के जरिए पंजीकरण कराना होगा। 30 मिनट के बाद उपयोग करने वाले को स्क्रैच कार्ड खरीदना होगा। 25 रुपए के कार्ड पर 30 मिनट जबकि 35 रुपए के कार्ड पर 1 घंटा वाईफाई मिलेगा, जो 24 घंटे के लिए वैध होगा। इंटरनेट की गति 1 Mbps तक होगी। धीरे धीरे जो रेल नेटवर्क है उसके बगल में ही ऑप्टिकल फाइबर से पूरे देश को जोड़े, वही ट्रेन की जो सड़क पूरे देश को जोड़ती है वही ऑप्टिकल फाइबर पूरे देश को जोड़ने में कामयाब हो। रेल यात्रियों में इस सेवा को लेकर भारी उत्सुकता दिखी। यूजिंग योर टाइम टू जस्ट गेट अपडेट विद न्यूज और मे बी वॉचिंग मूवीज, स्पेंड टाइम ऑन सॉन्ग्स, मूवीज एंड एनीथिंग। And also like the new services of the Indian Railways that you can track where your train is exactly and how are you placed, your 4-hour delay, 3-hour delay, you can be tracking that all along. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स लॉन्च होती हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आती हैं। इसका कहीं ना कहीं जो मुझे प्रॉब्लम लगती है, इम्प्लीमेंटेशन को लगती है,
अच्छा कदम है, अगर आगे सक्सेस होता है। इस परियोजना पर 50 लाख रुपए की लागत आई है, जबकि इसके संचालन पर हर साल 16 लाख रुपए खर्च होंगे। बेंगलुरु स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद नई दिल्ली स्टेशन पर इस सेवा को शुरू किया गया है। अगले चरण में आगरा, सिकंदराबाद, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई और हावड़ा में इस सेवा की शुरुआत होगी। एक साल के भीतर सभी 75 A1 श्रेणी के स्टेशनों पर ये सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। स्मृति रस्तोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर राज्यसभा में पिछले एक हफ्ते से जारी गतिरोध सोमवार को खत्म हो गया। सरकार और विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर आखिरकार सहमति बन गई। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सांसदों, मंत्रियों और राजनेताओं को सार्वजनिक बयानों में शिष्टता बरतनी चाहिए। While acknowledging the statement of Prime Minister made in the House on the 4th of December appeals to all members of Parliament, ministers and leaders of all political parties to maintain civility at all costs in public discourse for the successful functioning of parliamentary democracy and to uphold our commitment to constitutional values. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की इस अपील के बाद राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने आपत्तिजनक बयान के मामले में निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग दोहराई। हमने अपनी मांग जो पहले समूचे प्रतिपक्ष की थी, मंत्री के इस्तीफे की, वो हमने वापस करी, रोक दी। हमने पीछे हट के कहा, पहले सेंसोर मोशन की बात की, सरकार नहीं मानी, तो हमने सारे विपक्षी दलों ने बात करके केवल दो लाइन जिसमें किसी का नाम ना हो उसकी हमने प्रस्तावना दी। सर, यू आर राइट, नो रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द चेयर, बट द चेयर कैन नॉट आल्सो डू एनीथिंग विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हाउस। सो वी आर सेइंग लेट द हाउस अप्रूव और डिसअप्रूव दिस रेजोल्यूशन, यू पुट इट टू वोट। विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग से पीछे हटते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया था। Therefore, the condition on which you allowed him to speak is a condition which is not acceptable today. Sir, we are... Yes, yes, Yachuri. Yes, Sri Yachuri. Sir, you're... Yes, Sri Yachuri. Can't allow this liberty to be misused. इस मामले पर अवरोध की वजह से सोमवार को प्रश्नकाल तक सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सहमति बनी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 30 नवंबर को दिल्ली की एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद हफ्ते भर से राज्यसभा में गतिरोध की वजह से सुचारू रूप से कार्यवाही नहीं चल पा रही थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता में आने पर ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का वादा किया है। दिल्ली में सोमवार को हुई बीजेपी की दलित रैली में पार्टी नेताओं ने इसका ऐलान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को बीजेपी ने दलित रैली का आयोजन किया। दलित नेता और सांसद डॉक्टर उदित राज की अगुवाई में हुई इस रैली में समुदाय की मांगों को सामने रखा गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। चुनाव के नतीजे क्या होते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कौन वोट देता है कौन नहीं देता इससे कोई मतलब नहीं है। ये बात जरूर है कि चुनाव में हमको सबके वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि सारी की सारी ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके छोड़ेंगे। साल 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 12 सुरक्षित सीटों में से 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। बीजेपी महज 2 सीटों पर ही विजयी हुई थी। पार्टी अब इन सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बीजेपी को यकीन है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नमो नमो के दम पर बीजेपी जीत तो जाएगी, लेकिन अगर दलित वोट बैंक भी साथ जुट जाए तो क्या बात होगी। और यही कारण है कि बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने सभी दलित चेहरों को उतार दिया है। कैमरा पर्सन स्मृति के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी दिल्ली।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति में 5 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और कृष्णा तीरथ, संदीप दीक्षित, योगानंद शास्त्री और मतीन अहमद को चुनाव समिति में शामिल किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पिछले महीने प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली की अध्यक्षता में चुनाव समिति का गठन किया गया था। माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिलने से प्रदेश इकाई में असंतोष को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति, घोषणा पत्र समिति समेत चुनाव संबंधी 4 समितियों का गठन किया था। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव समिति में शामिल किया गया था। वहीं सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को किसी भी समिति में शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट को कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। कोर्ट आवंटन रद्द करने से जुड़े आदेश पर पुनर्विचार करने से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर चुका है। इन याचिकाओं में टाटा स्टील की याचिका भी शामिल थी। 3 सदस्य पीठ ने कहा कि हम इस फैसले पर फिर से विचार नहीं करने वाले। कोर्ट ने कहा कि आवंटन की पूरी प्रक्रिया ही अवैध थी, जिस वजह से कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द किया गया था। 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से हुए 2018 कोल ब्लॉक आवंटन में से 214 को रद्द कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े केसों में चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 19 सितंबर को पूर्व सीबीआई निदेशक के ऊपर लगे आरोपों की वजह से जांच एजेंसी पर चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से रोक लगा दी थी। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या के करीब 40 साल बाद दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सोमवार को 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 15 दिसंबर को होगा। अदालत ने रंजन द्विवेदी, गोपाल जी, संतोषानंद और सुदेव नंद को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने चारों को आपराधिक साजिश का दोषी भी पाया। इस मामले में 200 से ज्यादा गवाह थे। All the 4 persons who were standing trial up to this stage have been convicted of different charges. On 15th, the judge will have to hear, as per law, the how much sentence is to be given. 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में हुए बम धमाके में ललित नारायण मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगले दिन उनकी मौत हो गई। सीबीआई ने पटना में 1 नवंबर 1977 को चार्जशीट दायर कर दी थी। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में भेजा। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट से FIR रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ये मांग खारिज कर दी। कड़कड़डूमा कोर्ट में सितंबर 2012 में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली पुलिस ने टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टैक्सी में लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने उबर टैक्सी की सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में आरोपी ड्राइवर को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सोमवार को संसद में भी इस मामले पर बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दोषी के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिल्ली के कैब बलात्कार कांड पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। The government of India strongly condemns this disorderly act. It will be ensured that all necessary steps are taken to bring the offender to justice. इससे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस, TMC, RJD और आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और सरकार से बयान की मांग की। घटना के विरोध में NSUI और आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने भी महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो जो लड़का है जिसने ये रेप अटेम्प्ट किया है, वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका था रेप अटेम्प्ट में। वो कैसे वो बेल आउट हुआ? हमारी मांग है महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। दिल्ली की सड़क पे महिला घूम रही है किसी, अगर वहाँ सुरक्षा नहीं है महिलाओं को, तो देश के किसी रूरल एरिया में क्या सुरक्षा मिल सकती है? उबर कैब्स में गैंग रेप हुआ है, उस पर आम आदमी पार्टी आज सवाल पूछ रही है। वो ये सवाल पूछ रही है कि दिल्ली पुलिस आखिर गृह मंत्रालय के अंडर है। गृह मंत्री ने अभी तक किया क्या है दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए? आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव को मथुरा से गिरफ्तार किया गया। शिव कुमार पर 2011 में दक्षिणी दिल्ली के महरौली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।
वो 7 महीने तक तिहाड़ जेल में भी रहा। घटना शुक्रवार रात को घटी थी। लड़की ने कार की तस्वीर खींच ली, जिससे आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिली। दुष्कर्म की ये घटना 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार मामले के 2 साल पूरे होने से कुछ ही दिन पहले हुई है। श्याम सुंदर के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। इस बीच दिल्ली सरकार ने 6 रेडियो टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों को छोड़कर दूसरी कंपनियों के परिचालन पर रोक लगा दी है। परिवहन विभाग के मुताबिक इजी कैब, मेगा कैब, मेरू कैब, यो कैब समेत 6 कंपनियों के पास ही अब लाइसेंस है, जबकि दूसरी रेडियो टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियां इसके लिए अब अधिग्रहित नहीं है। हैदराबाद की एक अदालत ने सत्यम के संस्थापक बी रामलिंगम राजू और दूसरे आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में राजू और अन्य लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज और इसके निदेशकों के खिलाफ आर्थिक अपराध के लिए विशेष अदालत में कंपनी कानून के उल्लंघन की 7 शिकायतें दिसंबर 2009 में दर्ज की थीं। राजू और कुछ निदेशकों को 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। फिलहाल बी रामलिंगम राजू जमानत पर जेल से बाहर हैं। और आप बने रहे हमारे साथ, यहां हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कुछ और अहम खबरों का। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पिछले साल मध्य प्रदेश की जेल से भागे 5 सिमी के सदस्य 1 महीने के भीतर आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उनकी मदद कर सकती है। सिमी आतंकियों की बातचीत से ये खुलासा हुआ है। IB की तरफ से सभी राज्यों को भेजे गए अलर्ट में कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान को खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आतंकियों के इन राज्यों में छिपे होने की आशंका है। अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से फरार हुए सिमी के 6 सदस्यों में से एक अबू फैजल उर्फ डॉक्टर को दिसंबर 2013 में पकड़ा गया था। पाकिस्तान ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पुंछ जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगी सीमा चौकियों पर सीमा पार से गोलीबारी की गई। सेना के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने हमीरपुर सब सेक्टर में सोमवार रात गोलीबारी की, जिसका भारतीय सैनिकों ने माकूल जवाब दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुणवत्तापूर्ण सेवा आपूर्ति के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही में सुधार पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार की मोबाइल शासन परियोजना कर्नाटक मोबाइल 1 की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने और गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुधारने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को सरकार की अच्छी योजनाएं बताई। प्रणब मुखर्जी ने लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए तकनीक के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस ने कहा है कि वो भारत के हितों के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाएगा। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से ठीक पहले रूस के राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान से रक्षा समझौते में रक्षा उपकरणों का निर्यात शामिल नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 10 दिसंबर को 2 दिन के लिए भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी शिखर वार्ता होगी। रूसी राजदूत ने कहा कि भारत से रिश्तों की कीमत पर उनका देश पाकिस्तान से रिश्ते नहीं बनाएगा। उनका बयान पाकिस्तान और रूस में 20 नवंबर को हुए सैनिक समझौते के संदर्भ में था। सिविलियन हेलीकॉप्टर्स हैं तो उनसे क्या खतरा हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है? लेकिन जैसे मैं बताया और मैं ये दोहराऊंगा कि रूस भारत का एक स्ट्रेटेजिक अलाय होके कुछ भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा जो भारत को हार्म दे सकता है। ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और
कोई चीन तक के लिए यहाँ तो गुंजाइश नहीं है। राजदूत ने कहा कि उनका देश भारत में 18 से 24 परमाणु बिजली घर स्थापित करने में मदद कर सकता है। कुडनकुलम परमाणु बिजली घर की तीसरी और चौथी यूनिट के लिए पुतिन की भारत यात्रा के दौरान तकनीकी समझौते हो सकते हैं। तकरीबन 20 समझौते होंगे। हमारे जिंदगी के भिन्न भिन्न सब सब क्षेत्रों से संबंधित समझौते होंगे। हम इंतजार कर रहे हैं एक न्यूक्लियर साइट का नाम। रूसी राजदूत ने कुडनकुलम प्लांट की दूसरी यूनिट मार्च तक शुरू होने की उम्मीद भी जताई। दोनों देशों के बीच ऊर्जा के अलावा दूसरे क्षेत्र में सहयोग के लिए भी समझौते होने हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। ईरान ने कहा है कि वो इराक के अनुरोध पर ही आईएस के खिलाफ लड़ाई में उसका सहयोग कर रहा है। अंग्रेजी समाचार पत्र गार्जियन ने यह खुलासा किया है। सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान में दोनों देशों के बीच मंत्रियों के बीच हुई मुलाकात में किसी भी पक्ष ने इस पर टिप्पणी नहीं की। इससे पहले ईरान ने उपविदेश मंत्री ने कहा कि आईएस पर हमलों का मकसद अमेरिकी गठबंधन को सहयोग करना नहीं है। इराक के विदेश मंत्री ने कहा कि इब्राहिम जाफरी ने बात कही है कि आईएस के खात्मे के लिए ही दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। लीमा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आम सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि ज्यादातर देशों ने पेरिस सम्मेलन से पहले एक संयुक्त प्रतिज्ञा जारी करने पर सहमति दी है। दूसरी तरफ मंत्री स्तरीय सम्मेलन के पहले दिन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए अगले बजट सत्र में विस्तृत बिल पेश किया जाएगा। इस बीच पर्यावरण को लेकर चल रहे जो विरोध प्रदर्शन है वो भी काफी तेज हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरू की राजधानी लीमा में सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए वित्तीय मदद बढ़ाने की मांग की है। इस फंड से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने में मदद मिलेगी। भारत लगातार विकासशील देशों के लिए मुआवजे की मांग करता रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत समेत विकासशील देशों को साल 2020 तक हर साल 10 अरब डॉलर दिए जाएं। संयुक्त राष्ट्र में जारी ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों को दी जा रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता राशि का इस्तेमाल भारत ने शानदार ढंग से किया है। इस राशि से भारत ने कम ऊर्जा की खपत करने वाले 50 लाख पंखों का निर्माण किया है। हालांकि सर्वाधिक सहायता पाने वाले देशों में मोरक्को, मेक्सिको और ब्राजील शामिल हैं और कई गरीब देशों को बेहद कम सहायता मिलती है। हालांकि ज्यादातर देश इस सम्मेलन में एक संयुक्त प्रतिज्ञा जारी करने पर राजी हो गए, लेकिन घोषणा अगले साल पेरिस में होने वाले सम्मेलन से कुछ महीने पहले ही जारी की जाएगी। Some countries look at these reviews as an opportunity not just to increase confidence and transparency, but actually as an opportunity to perhaps increase the ambition in the short term. And that is what has motivated those countries. The most important part of this idea that we put forward of a consultative period is sunshine, so that you then encourage and goad countries into being ambitious, because nobody wants to look bad. इस बीच लीमा में पर्यावरण की रक्षा को लेकर चल रहा प्रदर्शन भी तेज हो गया है। सोमवार को लोगों ने जीवाश्म ईंधन बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ हल्ला बोला। And we're here to deliver a message that not only do these organizations, Shell and Chevron and their other comrades, have a part to play in the climate solutions, they have no part to play in the negotiations. लीमा में फिलीपींस में आए हॉकपिट तूफान की तस्वीरें लेकर भी लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अब भी नहीं चेते तो ऐसे तूफान बार बार आएंगे। Fighting for climate justice, and we very much appreciate that the message here from civil society is not one of sympathy, but one of solidarity. इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत से कार्बन उत्सर्जन कम करने की समय सीमा घोषित करने की अपील की। आयोजकों की पूरी कोशिश है कि अगर भारत आम सहमति बनाने में सफल हो जाता है तो लीमा को सफल माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिमाचल के कुफरी में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद धूप खिलने से रौनक आ गई है। क्रिसमस के ठीक पहले छुट्टियां मनाने पहुंचे लोग आइस स्केटिंग का मजा ले रहे हैं। तेज बर्फबारी होने से पहले आइस स्केटिंग का दौर जारी रहेगा। स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं और उनका मानना है कि इस बार व्हाइट क्रिसमस जरूर होगी। कुफरी में क्रिसमस के समय काफी भीड़ होती है। मौसम विभाग के अनुमान है कि हिमाचल में लगातार शीतलहर और बर्फबारी हो सकती है।
एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। आखिरी समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 190 रन बनाए हैं। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने शानदार खेल दिखाया। वार्नर सेंचुरी बनाकर खेल रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों की पहली सफलता 8वें ओवर में मिली। ओपनर क्रिस रॉजर्स ने ईशांत शर्मा की बाहर जाती गेंद को बल्ला दिखाया जो बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप फील्डर शिखर धवन के हाथों में चली गई। रॉजर्स कुल 9 रन बनाकर आउट हुए और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 50 रन थे। भारत को दूसरी कामयाबी 18वें ओवर में मिली। 14 रन के निजी स्कोर पर शेन वॉटसन ने वरुण एरोन की बाहर जाती गेंद को बल्ला दिखाया और शिखर धवन को कैच दे बैठे। भारत की तरफ से लेग स्पिनर कर्ण शर्मा का ये पहला टेस्ट मैच है। वही बात अगर हॉकी की करें तो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पहले 2 मुकाबले हार चुकी भारतीय टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ जब अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारत की कोशिश जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जाने की होगी। जीत के लिए सरदार सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम तेज हॉकी खेलते हुए गोल के लिए मौके पैदा करने की कोशिश होगी और इसके पहले भारत को ग्रुप मैच में जर्मनी और अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा था। ग्रुप बी के तहत जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच भी मैच खेला जाना है। पूल ए में इंग्लैंड और बेल्जियम जबकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान एक दूसरे को चुनौती देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। बड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर की 16 और झारखंड की 17 सीटों के लिए तीसरे दौर का मतदान जारी। मतदाताओं में भारी उत्साह। उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। आईबी ने सभी राज्यों को किया हाई अलर्ट। सिमी के फरार आतंकवादी देश में कर सकते हैं बड़ा आतंकी हमला। टैक्सी दुष्कर्म मामले में उबर कैब सर्विस के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली सरकार ने 6 कंपनियों को छोड़कर सभी रेडियो टैक्सियों पर लगाया प्रतिबंध। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा शुरू। आधे घंटे तक मुफ्त इंटरनेट इस्तेमाल। दूसरे बड़े स्टेशनों पर जल्द मिलेगी सुविधा। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर बनाए 200 रन। हॉकी के चैंपियंस ट्रॉफी में नीदरलैंड से होगा भारत का मुकाबला।